आंगनबाड़ी सेविका अपने मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठी है। फलका प्रखंड परिसर में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी है। हड़ताल पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा उन्हें उचित पारिश्रमिक और सम्मान मिलना चाहिए। सोमवार को फलका प्रखंड मुख्यालय पर अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी की प्रखंड अध्यक्ष कल्याणी देवी ने कहा कि सरकार हम लोगों से बहुत काम लेती है, लेकिन उस हिसाब से हम लोगों को मानदेय नहीं दिया जाता है। सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मौजूदा बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा चुनाव के समय बार बार यह कहना कि उनकी सरकार आने पर बिहार की सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का मानदेय दुगुना किया जाएगा, लेकिन सरकार बन जाने के बाद आज तक इस पर अमल नहीं किया गया है। इस संबंध में अध्यक्ष कल्याणी देवी ने बताया कि सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं का आर्थिक शोषण एवं दोहन कर रही है। इस महंगाई में मानदेय के रूप में 4500 रुपये मिलता है, उससे घर परिवार का खर्च चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने लंबित मांगों के समर्थन में सरकार से इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं धरना प्रदर्शन के मौके पर प्रतिमा देवी, अर्चना कुमारी, नूतन कुमारी, रेणु कुमारी, नीलू झा, नीलम कुमारी, पिंकी कुमारी सहित सैकड़ों आशा कार्यकर्ता मौजूद रही। सरकार से जो हम लोग को जो है मानदेय को बंद करे और वेतन मान लागू करे और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जो भी काम होता है वो बच्चा से लेके घाट तक उतरती है सेविका, और जो भी काम हल्का पड़ता है बिना पैसा का, वीडियो साहबा को हुआ तो वो दे दी, डीएम मैडम का हुआ तो वो आदेश दे दिया, और सब काम सेविका करती है, लेकिन पैसा के वक्त में पैसा खो जाता है सरकार का। जबकि हम लोग जो है कहाँ किस जगह, वो कोरोना काल में हम लोग भी काम किए, लेकिन सेविका हमारी सेविका बहनों का एक भी पैसा नहीं आया, लेकिन वहाँ आशा का आ गया, एनम दीदी का आ गया। क्या हमारी सेविका बहन कोरोना में काम नहीं की है? तो ये दो रीति क्यों कर रहा है सरकार? तेजस्वी यादव ने यादा किया था जो जब हम कुर्सी पर जाएंगे, अपना जीतेंगे, हम मुख्यमंत्री पद लेंगे तो हमने पैसा बढ़ाएंगे सेविकों को, हर समय हर बार वादा करके वो मुकर जाता है। क्यों ऐसा दुर्नीति क्यों करता है?